नमस्कार दोस्तों, साइटिका आज के समय में बहुत कॉमन हो चुका है। साइटिका एक सिम्टम्स है जो हमें बताता है कि हमारे साइटिक वेन्स में कुछ ना कुछ चल रहा है। साइटिका का जो पेन है वो हमारे रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से स्टार्ट होते हुए बट से पीछे होते हुए नीचे थाई से होते हुए काफ से होते हुए नीचे पैरों तक उंगलियों तक जाता है और ये बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होता है और जनरली ये देखा जाता है कि ये राइट लेग में ज्यादा होता है, पर कई बार एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है कि ये दोनों पैरों में होता है, नहीं तो ज्यादातर ये एक ही पैर में सुनने को मिलता है। और ये इतना ज्यादा असहनीय होता है कि हम बैठ नहीं पाते सही ढंग से, खड़े नहीं हो पाते, जनरली हम सोते ही रहते हैं। तो इस पेन के कारण जो है हमारी नॉर्मल लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या कारण है साइटिका पेन होने का? साइटिका पेन होने का कारण है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में साइटिक वेन्स होती है वो किसी कारणवश दब जाती है। दबने के कई कारण है, जैसे हम नॉर्मल रूटीन में देखते हैं जो हम काम करते हैं, बहुत ज्यादा सिटिंग जॉब अगर है हमारा, या बहुत ज्यादा हम लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं, बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक गाड़ी चलाते हैं, तो उसके कारण भी ये इसका चांस है कि ये होने के चांस है, क्योंकि बैठने के कारण जो है इसके कारण भी इसका दर्द हो सकता है। और जो हम हाई हील्स पहनते हैं, जो भी हाई हील्स पहनते हैं वो भी 100% चांसेस है, उसमें भी इसके होने के 100% चांसेस है। जो हम बहुत ज्यादा नरम गद्दे में सोते हैं, बहुत ज्यादा नरम गद्दे के कहने का मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट जो होता है, उसमें भी होने के इसमें 100% चांसेस है। और जब हम जिम में वर्कआउट करते हैं तो एक होता है कि हम वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करते हैं, तो पहले तो कई बार ऐसी गलती होती है कि हम वार्म अप नहीं करते, जिसके कारण भी ये पेन होने के, क्योंकि क्या होता है वेट उठाने के पहले हमारी बॉडी जो है पूरी स्ट्रेस्ड होनी चाहिए, एक ये कारण है। दूसरा ये है कि हम बहुत ज्यादा हैवी वेट जब उठाते हैं तो बहुत ज्यादा हैवी वेट उठाने के कारण भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और जब हम जैसे कोई भी घर में काम करते हैं तो कई बार इधर से उधर रखते हैं, तो इधर से उधर रखने के कारण कई बार ऐसा होता है कि झटका लग जाता है हमें, उस झटके के कारण भी ये पेन के 100% चांसेस है। तो ये क्या क्या कारण है जिसके कारण साइटिका का पेन हो सकता है, अब मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या क्या चीज खाना चाहिए और क्या क्या चीज नहीं खानी चाहिए। हमें प्रिजर्व्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठंडी चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए हमें, कोई भी प्रिजर्व्ड फूड, ठंडी चीजें और जो भी चीजें जो वात पैदा करती, जैसे दही हो गया, आपका फूल गोभी हो गया, भिंडी हो गया, उड़द की दाल हो गई, ये हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और जो भी प्रिजर्व्ड फूड है उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अब हमें क्या क्या चीज खानी चाहिए, हमें मेथी के दाने जो है रात को भिगो के रखने चाहिए और सुबह जो उठ के उसको हमें खाली पेट खाना चाहिए, उससे एक तो हमारे बॉडी में सूजन की कमी आएगी, दूसरे हमें दर्द से राहत मिलेगी। और हमें विटामिन बी रिच फूड हमें खाना चाहिए, जैसे चीज हो गया, पनीर हो गया, एग हो गया, ये हमें लेना चाहिए। ओमेगा 3 रिच फूड जैसे आपको अलसी होगी, अलसी को आपको भिगो के खाना होता है क्योंकि कई बार उसकी तासीर जो है उसकी देखा जाता है अलसी की बहुत गर्म होती है, तो आप रात को भिगो के खाएं वो आपको बेनिफिट देगी। आपको फल्ली दाना खाना है, आपको अखरोट खा सकते हैं, नॉन वेज में आप फिश लीजिए, ये सारी चीजें ओमेगा 3 रिच फूड है। आपको विटामिन ए फूड खाना है, आपको लीफी वेजिटेबल्स खानी है, आपको गाजर खाना है, आपको पोटेशियम मैग्नीशियम रिच फूड जैसे एप्पल हो गया, पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, ये सारी चीजें आपको खानी है। तो आप डेली रूटीन में आप अपने अपना जो भी डाइट प्लान है उसमें आप ये सारी चीजें फिक्स कर लें, आपको कैसे कैसे आपको लेनी है वो आपको ठीक रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से आसन करने हैं। आपको जो भी आसन है, जो भी स्ट्रेचिंग है, जो भी वर्कआउट है जिसमें आपका लेग स्ट्रेच मतलब लोअर बॉडी आपकी स्ट्रेच हो वो आपको करने हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो भी मेरे वर्कआउट है, जो भी स्ट्रेचिंग पोजेस जो मैं भी आपको बताऊंगा, वो आपको शुरू में करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि दर्द इतना ज्यादा होता है कि हम कर नहीं पाते, पर आप धीरे धीरे उसको आप अपने प्रैक्टिस में लाएंगे तो धीरे धीरे आपके आने वाले समय में जब आपसे वो बनता जाएगा तो आपके पोज भी करेक्ट होते जाएंगे और आपको रिलीफ भी मिलता जाएगा। और हो सकता है कि आपको आसन करने के टाइम में या स्ट्रेचिंग करने के टाइम में पेन हो, तो जहां आपको पेन हो रहा है वहां आपको नहीं करना है, वो धीरे धीरे आपको आपको आदत पड़ती जाएगी, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेचिंग लेवल, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो आपको पेन से रिलीफ मिलेगी। इसका इसमें 100% जो है इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, पर आपको रेगुलर इसको दोनों टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुबह और शाम आप दो टाइम करें, खाली पेट सुबह आप वर्कआउट करें और शाम को भी खाना खाने से पहले आप कर सकते हैं। तो दो टाइम आप रूटीन में ये सारे जो आसन है, स्ट्रेचिंग पोजेस है, ये आप करेंगे तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा।
तो आप आगे मेरे वीडियो में देखिए कि आपको कैसे आसन कौन कौन से करने हैं जिसके कारण आपको साइटिका की पेन से राहत मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू।